अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं गोल्ड शेयरिंग टीवी। कुछ दिनों से पाकिस्तान में खबर गर्दश कर रही है कि 1 दिसंबर से पाकिस्तान से प्ले स्टोर जो है उसकी सर्विस बंद कर दी जाएगी। मुकम्मल हकीकत क्या है ये जानिए इस वीडियो में। मैं आप दोस्तों के साथ पूरी तफसील में ये अपडेट शेयर करूँगा। बिल्कुल छोटी सी अपडेट होगी, इतनी बड़ी अपडेट नहीं है और उम्मीद है कि आप दोस्तों को इसकी समझ भी आ जाएगी और इसकी टेंशन भी आप दोस्तों को ख़त्म हो जाएगी कि आप समझ रहे हैं कि प्ले स्टोर की सर्विस जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी और प्ले स्टोर से आप कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन लिहाजा ऐसा नहीं है, ये सरासर एक खबर कह लें कि जिसका मैं आपको पूरी तफसील के साथ डिटेल शेयर करूँगा और आप प्ले स्टोर से पहले की तरह हर चीज़ को डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन इसमें कुछ फ़र्क आया है जो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर की सर्विस मुअत्तल होने पर पाकिस्तानी सार्फिन जो है ना वो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के ज़रिए अदायगी करके हर वो चीज़ बाय कर सकते हैं जो प्ले स्टोर के ऊपर पेड मोड में पड़ी हैं। और पहले क्या था कि पहले आप दोस्त जो हैं वो जय कैश इजी पैसे के साथ ये चीज़ें बाय कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ इतनी पाबंदी लगाई गई है कि प्ले स्टोर से आप जो है वो बाय नहीं कर सकते इजी पैसा और जय कैश के साथ। लेकिन दूसरी जानब स्टेट बैंक ने के डायरेक्टर जो है बिल्डिंग DCB के तरीके कार को तब्दील किया है, जिसके बाद मोबाइल कंपनियों के जरिए गूगल अमेजोन और मेटा वगैरह समेत बैन और कौमी सर्विस फराम करने वाली को सालाना बुनियाद पर 3,40,00,000 डॉलर की अदायगी जो है वो भी रोकी हुई है। तो अब जो है ना वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA और 4 सिल्वर कंपनी जो है पाकिस्तान मोबाइल ऑपरेटर के CEO ने उन्होंने मुतवक्का तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जुम्मे वाले दिन एक दरख्वास्त जमा करवा दी थी और जिसमें ये वादे उन्होंने लिखा है कि ये जो हुक्म आपने दिया है तो इसको फौरन वापस किया जाए। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि इस तरह की चीज़ों पर पाबंदियाँ लगती हैं, लेकिन वो भी चंद दिनों के लिए लाइफ टाइम के लिए या रेगुलर पाबंदी नहीं लगती। ये पाकिस्तान है और यहाँ पे सिर्फ दिखावे के लिए या जो नया अफसर आता है कुछ ना कुछ करने के लिए अपने आप दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें करता है। तो ये सर्विस भी आप दोस्तों को बिल्कुल बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये नोटिफिकेशन वापस ले ली है और इसकी सर्विस बहाल हो गई है और फिर दोबारा आप प्ले स्टोर के ऊपर जय कैश और इजी पैसा के साथ अपनी चीज़ें बाय कर सकते हैं। जिस तरह आप बीगो के लिए जिस तरह डायमंड वगैरह परचेज किए जाते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें परचेज की जाती हैं, तो वो लोग ज़्यादातर जय कैश और इजी पैसा के थ्रू ही करते थे। लेकिन उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर बंदा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना नहीं चाहता, क्योंकि आपको पता है कि ये इंटरनेट की दुनिया है और अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो चांस होते हैं और आपकी रकम ज़ाया होने का भी ख़तरा होता है। तो ये सर्विस इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस ले ली जाएगी और ये नोटिफिकेशन जो है और कंपनियों ने दबाव डाला हुआ है। तो ये असल अपडेट थी, कोई सर्विस बंद नहीं होगी कि प्ले स्टोर बंद हो जाएगा और आप उससे कोई चीज़ अपलोड नहीं कर सकेंगे, हर चीज़ आप डाउनलोड कर सकेंगे और अपना तरीकाकार उसी तरह चलता रहेगा। जिस तरह आप फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो उसी तरह होती रहेंगी, सिर्फ बाय एप्लीकेशन जो है उनके लिए प्रॉब्लम थी, लेकिन उनके लिए आप क्रेडिट कार्ड जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये अपडेट थी, अगर आप दोस्तों को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और गोल्ड शेयरिंग TV पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली अपडेट में। ओके, अल्लाह हाफिज़।